और इधर अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से ही महिलाओं के साथ जो हो रहा है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया में एक महिला ने अपना वीडियो शेयर किया है, उसके साथ ही रोज रात को किस तरह से हैवानियत की जाती है, महिला के शरीर को नोचा जाता है, शरीर पर दांतों के काटने के निशान। महिला ने रो रो कर अब लोगों से मदद मांगी है। मैं मरना चाहती हूँ, रोज रात मेरे साथ होता है रेप, रोज रोज मरने से अच्छा कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। रोज मेरी शरीर को नोचते हैं हैवान। सोशल मीडिया में जोर जोर से रोती हुई एक लड़की अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। लड़की अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से ही देश में जुल्म और सितम दहशत ज्यादा बढ़ गई है। तालिबान में लगातार महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो तालिबान से वायरल हुआ है, जिस वीडियो में एक महिला रोती गिर गिराती हुई लोगों से मदद मांग रही है। दरअसल ये महिला 24 साल की काबुल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिसिन की एक छात्रा है। महिला ने वीडियो में कहा कि तालिबानी गृह मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद खोस्ती ने जबरन इस महिला के साथ शादी रचाई। शादी के बाद से ही लगातार महिला के साथ जितनी मर्जी चाही उतनी बार रेप किया गया है। रोज रात को महिला के साथ रेप करने के बावजूद शरीर को भेड़ियों की तरह नोचता है ये हैवान। सोशल मीडिया में वीडियो डालने के बाद महिला को खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब महिला जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल में कैद होने के बावजूद भी सैयद खोस्ती लगातार जेल के अंदर घुसकर महिला से कर रहा है रेप। अफगानिस्तान में महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को पहले ही दबा दिया गया है। किसी भी राष्ट्र ने तालिबान को वास्तविक शासन करने की मान्यता अब तक नहीं दी है। तालिबान के द्वारा अफगान महिलाओं के ऊपर लगाए गए यात्रा, रोजगार और शिक्षा की स्वतंत्रता पर लगाई गई पाबंदियों का विरोध अफगानी महिलाएं करती आ रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।